कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का चैप्टर भले ही क्लोज हो गया हो, लेकिन यूपी पुलिस की नजरें अभी विकास के करीबियों पर गढ़ी हुई हैं। इस बीच शुक्रवार देर रात कानपुर के डीएम आलोक तिवारी ने विकास दुबे के खजांची रहे जय वाजपेयी समेत तीन भाइयों के संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। जय वाजपेयी और उसके भाइयों द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों में 8 भवन व भूखंड और 6 लग्जरी कारें, 5 बाइक, 1 स्कूटी शामिल है। जब्तीकरण का काम शनिवार से शुरू किया जा रहा है। पुलिस की रिपोर्ट में जय और उसके भाइयों ने चल अचल संपत्ति अपराध के जरिए अर्जित की है। विक्रू हत्याकांड के बाद पुलिस जांच में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के कनेक्शन जय वाजपेयी से होने के पुख्ता सबूत मिले थे। जय वाजपेयी हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करता था। इस काम में उसके तीनों भाई उसका साथ देते थे। जय वाजपेयी विकास दुबे का पैसा रियल एस्टेट, जमीनों की खरीद फरोख, सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का काम करता था। जय और उसके भाइयों ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की थी। कानपुर पुलिस ने जय वाजपेयी और उसके भाइयों द्वारा अर्जित की गई संपत्ति को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें जब्तीकरण को लेकर भी विवरण दिया गया था और यह कहा गया था कि जय और उसके भाइयों ने अपराध के जरिए संपत्ति अर्जित की है। पुलिस ने रिपोर्ट बनाकर डीएम आलोक तिवारी को सौंपी थी। इस रिपोर्ट पर डीएम ने संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। इन संपत्तियों में 8 भवन व भूखंड, 5 बाइकें, 1 स्कूटी और 6 लग्जरी कारें शामिल हैं। इसमें वो 3 लग्जरी कारें भी शामिल हैं जो बीते 5 जुलाई को विजयनगर चौराहे से बरामद हुई थी। इन तीनों कारों का इस्तेमाल बदमाशों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए होने वाला था। जय वाजपेयी समेत उसके तीनों भाइयों पर 31 जुलाई को नजीराबाद थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। जय के तीनों भाई अजयकांत, रजयकांत और शोभित बिक्रू कांड के बाद से ही फरार चल रहे थे। पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशें दे रही थी। गैंगस्टर की कार्रवाई होने के बाद पुलिस ने तीनों भाइयों पर 25,000 का इनाम रखा था, जिसके बाद तीनों ने कानपुर के गैंगस्टर कोर्ट में अधिवक्ताओं की पोशाक में कोर्ट में सरेंडर किया था।